हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा। बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के कंबाइंड यूज़ के बारे में। एस्ट्रोलॉजी हम लोगों की लाइफ में हमारी लाइफ को प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी तरह से वास्तु जो है ये हमारे स्पेस के एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने में सहायता करता है। और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम लिंक करना जानते हैं तो हम इन दोनों ही विज्ञानों से एक बहुत सकारात्मक रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी जो है, जैसे ही महादशा अंतरदशा बदलती है और कोई भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के मूवमेंट होते हैं गोचर के अंदर, उसी के साथ सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है हम लोगों के सबकॉन्शियस में, हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद वो सोच जो है वो हमारे एक्शंस में, हमारे चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होती है। और फिर हम अपने घर में, जैसे ही हमारा फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है जन्म पत्रिका, हम अपने घर में वास्तु को लेके चेंजेस करने की एक पहल कर लेते हैं। और वास्तु जो है, ये वास्तु में जब करेक्शंस किए जाते हैं, वास्तु में स्पेस में जब एनर्जीज में करेक्शंस किए जाते हैं, तो वो हमारे ग्रहों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। और लेकिन ग्रहों का जहाँ पे योगदान है वो ये है कि उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि वास्तु में हमें कौन कौन से डायरेक्शंस को चूज़ करना है, कौन से डायरेक्शंस को उस समय में हमें इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से ये दोनों ही विज्ञान जो है लिंक करके अगर हम काम करें तो एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लाभ ले सकते हैं। रिसेंटली एक केस मेरे पास आया था जिसमें कि बच्चे की हेल्थ इश्यूज थे और उसके हेल्थ के इश्यूज को डायग्नोज करने के बाद भी एक सही तरीके से मेडिसन्स का जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। जब हमने उनका चार्ट देखा, जब उनकी पत्री देखी, तो उसमें समझ आया कि सिक्स हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड है और चंद्रमा की ये प्लेसमेंट जो थी उस बच्चे की हेल्थ का के ऊपर नेगेटिव इम्प्लिकेशंस डाल रही थी, जस्ट बिकॉज कि उस घर में नॉर्थ के डायरेक्शंस एनएनई जोन जो था वहाँ पे कुछ ना कुछ चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी। अब उस घर के लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि क्यों बच्चा जो है डिस्पाइट मेडिकल ट्रीटमेंट्स और अच्छे से अच्छी उसको फैसिलिटीज देने के बाद में भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हमने ये चीज़ों को रीड किया तो हमने उनके नॉर्थ के डायरेक्शन में एनएनई जोन में जो भी मून से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पड़े थे उन्हें रिमूव करने के लिए कहा। उसकी रिमूव होते ही बच्चे का डायग्नोज प्रॉपर हो गया, उसको मेडिसिन के इम्पैक्ट आने शुरू हो गए और वो बच्चा ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और केस आया था जिसमें कि प्रॉब्लम थी, उनको लोन्स की प्रॉब्लम हो रही थी। अब उनका नॉर्थ वेस्ट के जोन में सिक्स हाउस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो पड़े हुए थे वहाँ पे हॉर्सेस रखे हुए थे वाइट कलर के, जो उन्हें बैंक से सपोर्ट नहीं लेने दे रहे थे। उनके ग्रहों की स्थितियों को जब हमने चेक किया तो उनसे उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स के दान करवाए। जैसे ही हमने दान करवाए उन्हें लोन मिल गया बैंक से और उनकी प्रॉब्लम का समाधान हो गया। इस तरह से कोई भी रेमेडी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही जजमेंट के बाद अगर की जाती हैं तो हम एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो सॉल्यूशन फिर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं या देते हैं उसके रिजल्ट्स जो है मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। विद इन 21 डेज, विद इन 12 डेज, विद इन 40 डेज आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बेसिक दिक्कत ये है कि जब हम इन दोनों ही साइंस को ना समझें और खाली वास्तु को ही लेके चलते जाएं तब भी हम लोगों के कंक्लूजन्स जो होंगे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। किसी भी निष्कर्ष के लिए, किसी भी अच्छे से समाधान के लिए आपको आपकी जन्मपत्री और घर का मैप दोनों ही साथ में लेके आने चाहिए। उसके बाद जो सॉल्यूशंस होंगे और जो भी रेमेडीज़ आप आज तक कर चुके हैं, अगर उनकी वजह से उनका समय ख़त्म हो चुका है और उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप हम लोगों से कंसल्ट करके उनकी करेक्शंस कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में एक पीस आए, आपकी लाइफ में एक सक्सेस के लिए आपको दिशा मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।